है इसका जानकारी दूंगा। जैसे हमने पहले पूर्वानुमान किया था, इस हिसाब से 6th को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन अपर एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ साउथ ईस्ट बंगाल के ऊपर, और इसके प्रभाव में आज सुबह हमने एक लो प्रेशर एरिया डिक्लेयर किए हैं। ये लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट बंगाल और इसके आसपास साउथ अंडमान सी के ऊपर केंद्रीभूत है। जैसे आप सर्कल येलो सर्कल देख रहे होंगे इस सैटेलाइट पिक्चर में, और इसके प्रभाव में साउथ ईस्ट बे, साउथ वेस्ट बे और एडजनिंग ईस्ट सेंट्रल बे और अंडमान सी में क्लाउड्स भरा हुआ है। ये सभी कन्वेक्टिव क्लाउड्स है, इसमें थंडरस्टॉर्म होता है और हैवी रेन भी होता है। और हमारा जो पूर्वानुमान है, इस पूर्वानुमान के हिसाब से ये लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे इंटेंसिफिकेशन होते हुए 9 तारीख को एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है और 10 तारीख को एक साइक्लोन का रूप ले सकता है। और ये जो वेदर सिस्टम आज से 11 तारीख तक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा में साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल से ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ेगा, और इसके बाद यानी 12 तारीख से इसका गतिपथ या ट्रैक चेंज होगा और ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वार्ड मूव करते हुए बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ आगे बढ़ेगा। अभी जो आप देख रहे हैं ये पॉसिबल ट्रैक है यानी गतिपथ है वेदर सिस्टम की। सो एट प्रेजेंट ये एक लो प्रेशर एरिया है, जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रैक है फॉर नेक्स्ट 4 डेज। इसके हिसाब से आप जैसे मैं बोल रहा था पहले, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करेगा टिल 12th मॉर्निंग, और ये गति करते हुए धीरे धीरे डिप्रेशन बनेगा कल, और 10 तारीख को एक साइक्लोन के रूप ले सकता है, और इसके बाद भी धीरे धीरे इसका इंटेंसिफिकेशन होगा और ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो सकता है जैसे पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। और इसके बाद इसका ट्रैक चेंज होते हुए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट होगा 12 तारीख से और बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ ये बढ़ेगा। और जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये अभी निकोबार आइलैंड्स के आसपास है, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अभी साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, साउथ अंडमान सी और निकोबार आइलैंड के ऊपर है। आज के पूर्वानुमान के हिसाब से वहां विंड स्पीड 40-50 किलोमीटर पर आवर, गोस्टिंग 60 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, और निकोबार आइलैंड्स में आज हम फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल के साथ आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कल विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, इवनिंग से शायद विंड स्पीड 50-60 किलोमीटर पर आवर होगा सेम एरिया में यानी साउथ ईस्ट बंगाल, साउथ अंडमान सी और निकोबार आइलैंड्स। और इसके साथ साथ कल हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल वही एरिया में होने का संभावना है, यानी निकोबार आइलैंड्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है और अंडमान आइलैंड्स में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल हो सकता है। फिर 10 तारीख को रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ेगा और विंड स्पीड बढ़ेगा, विंड स्पीड 60-70 गोस्टिंग 80 किलोमीटर आवर्स होते हुए धीरे धीरे सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे, मतलब ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे विंड स्पीड बढ़ते हुए 80-90 किलोमीटर आवर हो सकता है, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर विंड स्पीड 10 तारीख और 11 तारीख को 60-80 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 90 किलोमीटर आवर तक जा सकता है। और जो अंडमान सी है वहां भी विंड स्पीड ऐसे 60-80 किलोमीटर आवर गस्टिंग जा सकता है 10th और 11th में। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जो विंड होगा वो ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में होगा, चारों तरफ होगा। इसके प्रभाव में जो सी कंडीशन है, आज रॉफ सी कंडीशन चल रहा है साउथ एरिया में, धीरे धीरे कल ये रॉफ टू वेरी रॉफ सी कंडीशन होगा और परसों ये वेरी रॉफ टू हाई सी कंडीशन होगा साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एडजनिंग अंडमान सी और ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में। हाई टू वेरी हाई सी कंडीशन सेंट्रल मान ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में रहेगा और वेरी रॉफ टू हाई कंडीशन साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी में रहेगा 12 तारीख तक। ये जो हम विंड कंडीशन, वेव कंडीशन, रेनफॉल कंडीशन बताया, इसके हिसाब से जो ट्रलर्स है, स्मॉल शिप्स है,
और फिशरमैन है उनके लिए ये खतरा हो सकता है। इसलिए जो मैप अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये मैप के हिसाब से आप देख पाएंगे जो जो एरिया इंडिकेट किया गया, जैसे साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, इस एरिया जाना चाहिए और जो इस एरिया में है वो सभी सेफर प्लेसेस को वापस आ जाना चाहिए। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है इसके आसपास बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, इसके लिए हम स्पेशल फोरकास्ट दिए हैं कि टूरिस्ट ऑफशोर एक्टिविटी के लिए, सर्फिंग के लिए, टूरिज्म के लिए समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए और जो समुद्र में है वो वापस आ जाना चाहिए। इसके साथ साथ 10 तारीख से बिग शिप्स भी अफेक्टेड हो सकता है, सो शिपिंग कम्युनिटी के लिए, ऑफशोर एक्टिविटी के लिए हम ये एडवाइस दे रहे हैं कि हम रेगुलेट करना चाहिए हमारा एक्टिविटी को 12 तारीख तक। सो अभी आप देखेंगे जो पूर्वानुमान है इसके हिसाब से सबसे जो ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है वो है मेरिन एरिया के लिए और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए। जैसे अभी का पूर्वानुमान है कि ये ईस्ट कोस्ट में कोई स्टेट को लैंडफॉल का फोरकास्ट हम नहीं दिए हैं, मगर हम आपको अपडेट करेंगे क्योंकि अभी जो फोरकास्ट आपको चित्र माध्यम में दिखाई दिया गया ट्रैक की, वो 5 दिन के लिए हम दे सकते हैं, इसके बाद फिर इसको अपडेट करेंगे कल। और अभी जो हमारा बेस्ट एस्टिमेट है इसके हिसाब से ये बांग्लादेश और नॉर्थ म्यांमार कोस्ट की तरफ आगे बढ़ने का पूर्वानुमान है, इसलिए अभी हम ईस्ट कोस्ट स्टेट्स के लिए कोई वार्निंग जारी नहीं किए हैं, मगर ईस्ट कोस्ट स्टेट्स को ये एडवाइजरी है कि जो फिशरमैन तमिलनाडु पुडुचेरी है, अभी हम ईस्ट कोस्ट स्टेट्स के लिए कोई वार्निंग जारी नहीं किए हैं, मगर ईस्ट कोस्ट स्टेट्स को ये एडवाइजरी है कि जो फिशरमैन तमिलनाडु पुडुचेरी आंध्र प्रदेश ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट में है वो सभी फिशरमैन डीप सी यानी साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, वी हैव नॉट इश्यूड एनी वार्निंग रिलेटेड टू द पॉसिबल साइक्लोन। ऑफकोर्स देर इज हैवी रेनफॉल वार्निंग फॉर तमिलनाडु ड्यू टू अनदर वेदर सिस्टम नियर बाई टू तमिलनाडु कोस्ट। एट प्रेजेंट वी हैव नॉट इश्यूड एनी विंड वार्निंग और रेनफॉल वार्निंग फॉर ओडिशा आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, बट वील बी वॉचिंग एंड एजेंट वेन इट इज रिक्वायर्ड टू अपडेट फॉर दिस स्पोर्ट्स सेम विल बी प्रोवाइडेड अगेन वील अपडेट आवर इंफॉर्मेशन टूमोरो। थैंक यू सर। थैंक यू। जसवंतुले मृत्युंजय महापात्र जहाँ कहते बर्तमान सुधा वर्षा और बात्यापी ओडिशा बा आंध्र तमिलनाडु यू उपकूलवर्ती अंचल गुड़ वर्तमान सुधा कौन सतर्क करना किंतु वर्तमान समय कई जो वर्तमान संभाव्य बात्यार गतिपथ देखा मिली बांग्लादेश बा उत्तर म्यांमार आड़क यह गति करे और 12 तारीख से तार दिग बदल पारे उत्तर पूर्व आड़क मुहांबार संभावना रही उत्तर पूर्व तासत बांग्लादेश आड़क मुहांबा संभावना रही बांग्लादेश उत्तर म्यांमार आड़क गति कर वर्तमान सुधा संभावना रही 10 रे अधिक घनीभूत हो बात्यार रूप नहीं पारे आज लघुचापे परिणत हो सकु आसंता का अवपात में परिणत होगापर 10 तारीख को होगापर 10 तारीख को बात्यार रूप ने सामुद्रिक झड़ रूप नहीं पारे और यह से समय पुणी जब देखा बांग्लादेश म्यांमार आड़क जेहेतु तार गतिपथ बर्तमान देखा मिली किंतु 12 तारीख पर उत्तर पूर्व दिगक बांग्लादेश आड़क मुहांबार संभावना रही बर्तमान समय गतिपथ को बर्तमान सुधा जदि आकलन कर संभाव्य बात्या को नहीं वर्तमान जदियो ओडिशा आंध्रप्रदेश तमिलनाडु पुडुचेरी एसबु अंचल पाई वर्तमान वर्षा और बात्या नहीं कौन वार्निंग जारी करा जाए नहीं सतर्क जारी करा जाए नहीं किंतु समुद्र कूलिया लोक मत्स्यजीवी को बारण कर समुद्र भितर को न जीवा पाई
जदि बात्या पाई कोनोसी सूचना नाही किंतु वर्तमान सुधा जदि जो पवन रो बेग अधिक रहइब सेती पाई सब तमिलनाडु पुडुचेरी आंध्र प्रदेश ओडिसा ए सब राज्य रो उपकूल अंचल वर्तवर्ती अंचल कुडी को मत्स्यजीवी को बाई के विशेष करी सतर्क सूचना जारी करा जाय छी। समुद्र कूल भीतर को न जिबा पाई वर्तमान बारण करा जाउ छी कारण भीषण सामुद्रिक झड़ रो रूप नै पारे जदि वर्तमान सुधा गतिपथ क्लियर होइनी एवं लघुचाप रे सृष्टि हेछि अबपरे धीरे धीरे बात्यार जदिओ लैंडफॉल संपर्क रे सूचना मिलिबो आगो को किंतु 12 तारीख परे बात्या मोका दिग बदलाइबो गतिपथ बदलाइबो एक कथा मध्य सूचना देछंती था। इस हिसाब से इन अपर एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ साउथ ईस्ट बंगाल के ऊपर और इसके प्रभाव में आज सुबह हमने एक लो प्रेशर एरिया, ये लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट बंगाल और इसके आसपास साउथ अंडमान सी के ऊपर केंद्रीभूत है। जैसे आप सर्कल येलो सर्कल देख रहे होंगे ये सैटेलाइट पिक्चर में और इसके प्रभाव में साउथ ईस्ट बे, साउथ बे, बे और अंडमान सी में क्लाउड्स भरा हुआ है। ये सभी कन्वेक्टिव क्लाउड्स है, इसमें थंडरस्टॉर्म होता है और हैवी रेन भी होता है। हमारा जो पूर्वानुमान है इस पूर्वानुमान के हिसाब से ये लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे इंटेंसिफिकेशन होते हुए तारीख को एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है और 10 तारीख को एक साइक्लोन का रूप ले सकता है और ये जो वेदर सिस्टम तारीख तक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा में साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल से ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ेगा के बाद साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल से ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ेगा के बाद यानी 12 तारीख से इसका के बाद यानी 12 तारीख से इसका गतिपथ यात्री होगा और ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वार्ड मूव करते हुए बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ आगे बढ़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं पॉसिबल ट्रैक है यानी गतिपथ है वेदर सिस्टम की। सो एट प्रेजेंट ये एक लो प्रेशर एरिया है जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रैक है। इसके हिसाब से आप जैसे मैं बोल रहा था पहले ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करेगा टिल 12th मॉर्निंग और ये गति